और उसके बाद फिर मैं जो है आपको क्या करवाऊंगी फिर मैं इवनिंग वाले रुक जाए मैं उन्हें वन और टू भी बता दूंगी अभी यहाँ पे देखे आपके पास लैब गिविन है लैब के द्वारा आपको जो है वो प्रेजेंटेशन में इसीलिए बना के दे रही हूँ एक एक चीज की स्क्रीनशॉट लगा के दे रही हूँ भाई आप इजी जो है वो होके प्रेजेंटेशन को जो है वो परफॉर्म कर ले वरना फिर मैं सिंपल जो है वो आपके सामने आपको ही होमवर्क देती क्योंकि मुझे आई नो कि आप लोगों को काफी टफ टाइम चल रहा है इस वजह से ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों की सहूलत के लिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि आप करके आ रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या है अब आपके सामने एक स्क्रीन 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 शेयर 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 हो हो रही है। स्क्रीन हो रही है है इस होने के अंदर देखें। कि सबसे पहले आपके पास क्या है डेटा एंट्री डेटा एंट्री इन मेटलेब आपने जो है सबसे पहले एंट्री करनी है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि अपने अपने डेटा को जो है वो किस तरह इंटर करना है ये प्रेजेंटेशन भी आपके पास आ चुकी होगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एग्जाम्पल नंबर वन में आपने क्या करना है फाइंड दर्थमेटिक मीन मीडियन आपने जो है वो एग्जाम्पल के अंदर आपसे ये पूछा गया है कि आपने जो है वो अर्थमेटिक मीन और मीडियन जो है वो इन का फाइंड आउट करना है बाई यूजिंग मैटलब ठीक है तो यूजिंग पे परफॉर्म करने के लिए अगर आपको मीन और मीडियम फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो किस तरह फाइंड करोगे तो ये एग्जाम्पल के तौर पे क्योंकि मैंने लगा दिया है आपके सामने स्क्रीन शॉट ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना हो अप्लाई करने के लिए क्योंकि बार बार मेटलअप को खोलना और फिर आपके सामने परफॉर्म करके दिखाना काफी मुश्किल हो जाता है अब उम्मीद है कि आप लोग इतने कैपेबल हो गए हो कि अब आपके मेटलअप के अंदर आपने फंक्शन डाल के उसको इवेल्युएट कर लेते हो ठीक है सिर्फ मॉर्निंग की बात कर रही हूँ मैं अब यहाँ पे देखिए अगर मुझे अनग्रू आपके पास एक क्वेश्चन गिविन था कि आपने मीन कैलकुलेट करना है और मीडियम कैलकुलेट करना है तो ऑथोमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करने के बाद मैंने देखे आपके सामने एक स्क्रीन लगा दिया आपसे कहा था कि ये जो नंबर है इनका आपने मीन मीन बनाना है तो बनाने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होगी वो क्या होगी मीन ऑफ एक्स अब ये एक्स क्या है भाई एक्स वो पैरामीटर है जिसके अंदर आप एक्स की वैल्यू स्टोर करोगे और एक्स की वैल्यू क्या है सिक्स सेवन टेन इलेवन और एट तो अब यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने एक एक्स वेरिएबल बनाया उस एक्स वेरिएबल में आपने क्या किया ये तमाम वैल्यू को स्टोर करवा दी और सिर्फ फंक्शन को क्या कॉल करना है मीन ऑफ एक्स और एक्स के अंदर वो पैरामीटर जाएंगे जिसके लिए आपने मीन कैलकुलेट करवाना है तो ये आपने क्या किया कि एक रॉ का डेटा आपके पास गिविन था आपने इस रॉ का डेटा आपने जैसे ही मेटल में सब्सटीट्यूट किया तो आपने फंक्शन की कमांड डाली और आपके पास मीन कैलकुलेट हो गया इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने आपको दी है कि अगर मुझे कॉलम वाइज मीन निकालना है अभी तो आपने एक रॉ का मीन देख लिया अगर मुझे हर कॉलम का मीन निकालना है तो उसके लिए जो मेटलब की कमांड है वो क्या है अब ये ए है ए का मतलब यहाँ पे एक की कमांड लिख दो या बल्कि इसको मैं एक्स 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 कर देती ठीक है ऑफ ऑफ का मतलब क्या है कि सबसे पहले अपना डेटा सेट आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया डेटा सेट मैंने यहाँ पे डिफाइन क्या किया है टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स एंड फाइव सिक्स सेवन अब ये टू डायमेंशनल का डेटा सेट आपको देना आता है अब इस डायमेंशन पे मैंने कहा क्या कहा कि मुझे भाई रॉ वाइज मीन कैलकुलेट करके दो मतलब एक कॉलम के जरिए मुझे कैलकुलेट करके दो तो मतलब इस कॉलम का अलग मीन दो इस कॉलम का इस कॉलम का ठीक है तो अगर मैं रॉ वाइज जो है बल्कि कॉलम वाइज अगर मैं मीन कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूंगी वन वन का मतलब है कि यहाँ पे मैंने जो मीन डिफाइन करना है वो कॉलम वाइज करना है ये वन का कीवर्ड जो है वो मीन को डिफाइन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम वाइज आप क्या करोगे एक एक कॉलम का उठाओगे ये मेटल के पास क्या जा रहा है कि आप एक कॉलम का मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो इस वन पैरामीटर जो मेटल के इंस्ट्रक्शन पे क्या जाएगा कि ये डिफाइन कर, करेगा कि आप एक कॉलम का मीन लेना चाह रहे हो मतलब कॉलम बाय कॉलम मीन लेना चाह रहे हो ओवरऑल मीन लेना नहीं चाह रहे ठीक है तो वो क्या करेगा आपको टू फाइव फोर इन सबका मीन कैलकुलेट करके देगा ये पहले कॉलम का मीन फिर दूसरा मीन क्या है थ्री फाइव सिक्स ये दूसरे कॉलम का मीन फिर तीसरा क्या है फोर सिक्स सेवन ये तीसरे कॉलम का मीन तो ये वन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ वन कॉलम के लिए डिफाइन करके देगा बल्कि वन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये हर कॉलम वाइज करके देगा आपको मीन तो इसके अंदर मीन कैलकुलेट करना मुश्किल काम नहीं है आपने कोई भी डेटा सेट लिया और उस डेटा सेट के अंदर क्या किया कि substitute करके value दिखा दी मिस एक्स जो है वो लिस्ट है हाँ लिस्ट है लिस्ट मतलब जो डेटा आपने डिफाइन किया वो है सही है भाई ये और ये आ, जैसे पाइथन में सेट लिस्ट अलग अलग टपल वगैरह होते थे तो ये नहीं नहीं, नही, 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 नही। बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे इतने कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे ये प्रोसीजरल लैंग्वेज पे बात नहीं कर रहे तुम लोग प्रोसीजर का मतलब है कि डेटा टाइप हर चीज को अलग अलग कैटेगरीज करके डिफाइन करते थे आप लोग यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये आपके पास आपको पता है कि ये एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है इसमें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यूज हुए लेकिन यहाँ पे हर चीज को एक्सप्लोर करके नहीं बताया क्योंकि आप बी या कंप्यूटर साइंस आप तो डिस्टिंग हो कि इसमें कौन सी डेटा टाइप लगेगी इसमें कौन सी लिस्ट और डिक्शनरी लगेगी या फिर इस तरीके की कोई भी चीज आप आइडेंटिफाई कर रहे हो लेकिन चूंकि ये मतलब एक मैथामेटिकल सॉफ्टवेयर है तो इतने मैथामेटिशियन को तो इतनी प्रोग्रामिंग नहीं आती तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन को मैटलब में रखा ही नहीं है कि भाई बैक एंड पे इस पे क्या जा रहा है उन्होंने क्या रखा है कि सिंपल फ्रंट एंड पे ही बात की है अब फ्रंट एंड पे उन्होंने इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया उन्होंने कहा कि भाई आपको किसी भी टाइप का डेटा सेट देना है वो आप इस तरह डिफाइन करो किस फॉर्म में वेक्टर की फॉर्म में और वेक्टर में किसे कहती हूँ जिसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करती हूँ इसका मतलब है इन्होंने इतने पुराने कॉन्सेप्ट जो है वो उसके अंदर इंक्लूड ही नहीं करवाए ठीक है कि इसको लिस्ट में डालो उसमें डालो अभी यहाँ पे किसी भी तरह आप करो कोई से भी डेटा दो बस इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना समझ आ रही है तो इतनी चीजों को वेरीफाई हमने करना ही नहीं है ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है ठीक है इसके अंदर हमारे पास हर चीज डिक्लेरेटिव होती है यहाँ पे पूरे पूरे प्रोसीजर डिफाइन नहीं होते बस यहाँ पे इनपुट करने का तरीका बता दिया मैं इनपुट करना है स्क्वायर ब्रैकेट पे बस ये एक सेंटेक्स है इस सेंटेक्स की फर्दर डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ पे डिफाइन नहीं करी और ना हम करते बात समझ आ रही है सही अच्छा अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास यहाँ पे और एग्जाम्पल है अगर रॉ वाइज आपने करना है अगर हमने मैंने पूछा आपसे कि भाई मुझे रॉ सेकंड रॉ का जो है वो मुझे क्या चाहिए रॉ वाइज अगर यहाँ पे टू का कीवर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि आप रॉ वाइज करना चाह रहे हो वन के की कॉलम का मतलब क्या था कॉलम वाइज और टू का मतलब क्या है रॉ वाइज इसका मतलब है आप किस तरह अप्लाई करना चाह रहे हो टू थ्री फोर इसका मीन ले चाहिए आपको थ्री फोर सिक्स इसका मीन चाहिए आपको फोर फाइव सिक्स इसका मीन चाहिए आपको इसका मतलब है एक एक रॉ का आपको जो है वो मीन चाहिए तो अगर यहाँ पे टू डिफाइन कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि आप किस में इंटरेस्टेड हो रॉ वाइज मीन कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हो ठीक है तो अगर मैं आपसे मैटलब की स्क्रीन शेयर करके एक कॉलम वाइज मीन कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको तसल्ली रहे कि किस तरीके से मीन निकालते हैं तो अगर मेरे पास जो है वो डेटा मौजूद है इसी एक्स का जो है वो मैं निकाल देती हूँ मीन आपके सामने जो है वो मैंने एक एक्स वेरिएबल डिफाइन करा एक्स के अंदर जो है वो डेफिनेटली एरर ही देगा क्योंकि मैंने एंड का कीवर्ड यूज किया हुआ है अब यहाँ पे जो है वो मैंने क्या किया ये एक मैंने डिफाइन कर दिया ठीक है आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है अब यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने आपके पास मेटल में आपके सामने एक डेटा सेट डिफाइन कर दिया और अब यहाँ पे मैंने क्या करी मीन की कमांड यूज करी मीन की कमांड यूज करी और कहा कि इस एक्स वेरिएबल की मुझे मीन कैलकुलेट कर दो तो अब इसने क्या किया एक रॉ का मुझे मीन कैलकुलेट करके डिफाइन कर दिया तो सिंपल है सिंपली आपको पता है कि आप सिंपल अपने ये वेक्टर के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए तमाम डेटा पॉइंट्स इसके अंदर तो इंसर्ट करने होते हैं और जस्ट ये मीन कि कमांड ओपन करो और आपके पास हर कैलकुलेशन परफॉर्म होकर आ जाएगी तो अब आपको बेसिकली uh, मतलब ये करना है कि जो काम आप मैन्युअली कितना मुश्किल कर रहे थे और अब आप, आप यहाँ देखें कि कॉम्पिटिशनली जो है वो ये सारे काम इजली जो है वो आप क्या कर रहे हो कम्पिटिशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर रहे हो और हर तरह के मीन जो है वो आपको कैलकुलेट करने आ रहे हैं लेकिन आपको मैन्युअली पता था किसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं अब यहाँ देखें कम्पिटिशनली है वो आपके पास तरह के टूल्स मौजूद हैं कि अगर आपको लार्ज डेटा सेट का कभी मीन काम कैलकुलेट वाइज कॉलम वाइज जाहिर सी बात है जिंदगी में जरूरत पड़ जाती है तो फिर आप इस तरह कम्पटिशन सॉफ्टवेयर के जरिए आप क्या कर सकते हो ईजिल इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है तो ये एक एक करके मैंने देखो आपको एग्जाम्पल के तौर पर हर किसी की स्क्रीन शॉट लगा लगा के इसीलिए दिखाया ताकि आपको परेशानी ना हो अब ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड मीन एंड मीडियम द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द बिल्ट बिल्टन फंक्शन अब इसी के अंदर आपने क्या करना है आप भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो यहाँ पे एक आपने स्लाइड ऐड करनी है जैसे मैंने यहाँ पे एक ली स्लाइड और यहाँ पे स्लाइड मैंने ऐड कर दी और इसी का सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट कर देना सही है ये exercise question आपको करने के बता दिया मैंने आपको कि exercise question किस तरह करना है same वैसे ही करना है जैसा अभी मैंने आपको करके दिखाया लेकिन बस ये एक है है। तो सिर्फ़ इसका ही आपने mean निकालना है। अच्छा एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ uh, मतलब दो ग्राफ अगर आपने एक ग्राफ पे आपने दो फंक्शन अप्लाई करना है मतलब ये कि आपने जो है वो क्या करना है ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन ऑन द सेम ग्राफ अब आपको पता है हिस्टोग्राम एक अलग ग्राफ है ये जो ब्लू लाइन वाला है ये क्या है हिस्टोग्राम और उसी ग्राफ के ऊपर मुझे फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन भी लगाना है अब फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब क्या है कि ये इस तरह के जो पीक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन अगर आपने पुरानी वाली ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं मॉर्निंग सेक्शन तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई योगी कि मैंने आपको ये दोनों के दोनों ग्राफ अलग अलग आपको बताया था कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो आपके पास हिस्ट्रिक की कमांड थी उससे आप ड्रॉ कर रहे थे और अगर पॉलीगॉन तो के लिए आपने प्लॉट का फंक्शन इस्तेमाल किया था अब अगर बहुत टाइम हमें जरूरत पड़ जाती है एनालिसिस करने की उस एनालिसिस के अंदर मैं क्या चाहती हूँ कि भाई मेरा एक ही ग्राफ और उसके अंदर दो ग्राफ आ जाए मतलब मैं ये चेक आप फ्रिक्वेंसी आपको पता है ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ

हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए सी चाहिए होगी और लोअर लिमिट तो आपने अगर पुराने डेटा की फ्रिक्वेंसी और लोअर लिमिट निकाली हुई है तो वही फ्रीक्वेंसी और लोअर लिमिट आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है उसी फ्रिक्वेंसी और ओवर मतलब उसी फ्रिक्वेंसी और ओवर लिमिट का आपने यहाँ इस्तेमाल करना है अब इसी के ऊपर हमें पॉलीगोन बनाना है अब पॉलीगोन बनाने का भी फंक्शन आपने अलहदा इस्तेमाल किया हुआ है ग्राफ लैब नंबर टू में तो लैब नंबर टू में जो उसकी कमांड थी वो क्या थी प्लॉट एम डॉट एफ M, F का मतलब है की किसकी जरूरत पड़ती है मिड पॉइंट की और फ्रीक्वेंसी की क्योंकि पॉलीगोन का जो ग्राफ बनता है वो मिड पॉइंट और के में बनता है है ठीक तो ये भी आपने जो है वो पुराने वक्तों स्लैब नंबर टू में परफॉर्म किया हुआ है कि फ्रिक्वेंसी का ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है या पॉलीगोन का करना है तो उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर जाते हैं और जो पैरामीटर उसके अंदर इंक्लूड होते हैं उस पैरामीटर को पहले से आपने कैलकुलेट करना पड़ता है ठीक है तो अब उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है आपको पता है पॉलीग्राम के लिए मुझे एम और एफ़ कैलकुलेट करना है और हिस्टोग्राम बनाने के लिए मुझे एल लोअर बाउंड्रीज और एफ चाहिए फ्रिकुंसी तो सबसे पहले आपने ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्क्राइब कर दें कि भाई इसकी आ, आपके पास मिड पॉइंट क्या रहेंगे इसकी लोअर फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी तो आपने हर चीज़ की फ्रिक्वेंसी वगैरह सब डिस्क्राइब कर दें डिस्क्राइब करने के बाद यहाँ पे अगर एक ही ग्राफ पे आपने दो फंक्शन अप्लाई करने

Uh, सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम हिस्टोग्राम बनाए फ्रिक्वेंसी पॉलीग्राम तो सबसे पहले हमें जो है वो क्या कैलकुलेट करना होगा मिड पॉइंट फ्रिक्वेंसी और लोअर लिमिट ये तीन चीजें हमें चाहिए तभी हमारा सेम ग्राफ बनेगा तो इसकी कैलकुलेशन चलो अभी तो मैं फिलहाल डायरेक्ट दे देती हूँ तो डायरेक्ट देने के लिए मैं क्या करती हूँ वरना आपने जिस तरह कैलकुलेट मैंने आपको करना सिखाया कैलकुलेट करोगे तो मिड पॉइंट मैंने डायरेक्टली डिफ्ट सेवेंटीन ट्वेल्व और ट्वेंटी सेवन और थर्टी टू चलो इस तरीके का अभी मैं कोई रैंडम कीवर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ ठीक है रैंडम कीवर्ड का मतलब अभी मैं कुछ भी डिफाइन कर देती हूँ अब मुझे पता है कि इसका ग्राफ इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना अच्छा मैं आपके सामने डिफाइन कर रही हूँ शायद ये खराब सा ग्राफ बनेगा इतना अच्छा पोलिगोन बनेगा नहीं क्योंकि मैं एक रैंडम डेटा सेट ले रही हूँ अब फ्रीक्वेंसी के लिए भी मैंने रैंडम फ्रीक्वेंसी ले ली

बार में आपके पास क्या जाएगा एल कॉमा एफ कॉमा और हिस्टिक का कीवर्ड ठीक है ये आपने लगा दिया कीवर्ड अब मैंने देखो इंटर किया इंटर करने के बाद अभी मेरी प्रोसेसिंग चल रही है अब मेरा ग्राफ ड्रॉ हो गया अब उम्मीद है आपके पास ग्राफ नहीं आ रहा होगा मैं आपको शेयर करके दिखाती हूं ये देखें पहली कमांड लगाने से मेरा एक

इसका मतलब है आप मेटलिप को ये बता रहे हो कि अब आप जो कमांड देने वाले हो न्यू फंक्शन के लिए वो आप नए पैरामीटर पे ऐड नहीं करेंगे मतलब एक नया ग्राफ ग्राफ आप उसमें नहीं करेंगे बल्कि इसी ग्राफ के अंदर ही डिफाइन करना है मतलब आप मेटलिप को क्या बता रहे हो कि अब आप मेटल को ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई पुराने ही ग्राफ को होल्ड करके रखो और ये जो नई कमांड मैं आपको दे रहा हूं इसको इसी ग्राफ पे ही आपने क्या करवाया वरना आप ये अगर आप होल्ड ऑन की कमांड नहीं देते तो अगर और उसके बाद आप ये कमांड देते तो आपका क्या होता कि आपका पुराना वाला जो, आपका पुराना पुराना वाला वाला जो ग्राफ क्या होता खत्म हो जाता और ये नया वाला ग्राफ बन जाता अगर आप होल्ड ऑन की कमांड ना दो होल्ड ऑन होल्ड ऑन की कमांड मेटल को ये बताता है कि पुराने ग्राफ को भी होल्ड करके रखो अभी आपने उसके ऊपर एक और ग्राफ ड्रॉ करना है अगर होल्ड ऑन नहीं दोगे तो क्या होगा कि पुराना ग्राफ खत्म हो जाएगा और नया ग्राफ आ जाएगा समझ आ रही है तो ये खुद भी प्रैक्टिस करके देखना मैं भी अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा अब अब जो वो बेसिकली हमने क्या किया होल्ड ऑन की कमांड देखी अब देखो मैं अब तुम्हारे सामने शेयर करती हूँ फंक्शन के उसको ये देखो अब चूंकि अच्छा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्यों नहीं बना क्योंकि मैंने आपके सामने गलत फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट और वो गलत बताई थी इसीलिए समझो पॉलीगन एक अलग शेप पे चला गया और हिस्टोग्राम एक अलग शेप पर आ गया लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से उसी फ्रिक्वेंसी वाले एग्जाम्पल को ही आगे सेट है, इस से आपको अलग अलग बना हुआ दिख रहा है लेकिन आप वही पुराना वाला ही डेटा सेट कंसिडर करोगे जो मैंने लैप से दिया हुआ है आपको तो उसके हिसाब से बनाओगे तो बिल्कुल एक बनेगा तो अब यहाँ पे जब मेरा डेटा सेट गलत था तो जहर सी बात क्या हुआ कि होल्ड ऑन करने की वजह से देख

और शॉर्ट करने के बाद वो आपको मीडियम क्या यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर आप मीडियम की कमांड कैलकुलेट गलत कैलकुलेट करके वो दे सकता है इसलिए आप पे जरूरी है कि आप पहले एक शॉर्ट का फंक्शन अप्लाई करो शॉर्ट का मतलब है कि वो उसे सेंडिंग के अंदर लेकर आएगा तभी वो मीडियम कैलकुलेट करेगा वरना आपका फंक्शन का आंसर गलत आएगा समझ आ रही है क्योंकि डायरेक्ट मेटलेब जो मीडियम सही से कैलकुलेट नहीं करता जब तक उसको शॉर्ट कैलकुलेट करके ना दिया जाए

लेकिन इन दस अगर आपका इवन नंबर का डेटा हो जाता है तो आपको पता है उन दोनों पॉइंट को सम करके एवरेज लेते हो तो उसका मतलब है वो कैलकुलेट होता है तो मीडियम का जो मेटलिप में फंक्शन काम कर रहा है वो डायरेक्टली नहीं कर सकता ठीक है उसको सबसे पहले आपने सॉर्ट करके देना होगा सॉर्ट करने के बाद मीडियम अप्लाई करोगे तो फाइनली आंसर वो ठीक देगा जैसे अब आपने यहाँ पे इसको एवरेज करना नहीं बताया कि भाई इन सेंटर दो वैल्यू का एवरेज करो उसने क्या किया खुद से इसका एवरेज कर दिया क्योंकि इसका मतलब कि मीडियन की सेम कमांड डेटा के मुताबिक लग रही है यहाँ पे आपके पास ऑर्ड नंबर की कमांड थी तो यहाँ पे एट इसने मीडियन रिटर्न कर दिया लेकिन सेम मीडियन की कमांड जब आपने इवेंट डेटा सेट पे लगाई तो इसने क्या किया कि कंसीडर किया कि बीच के दो वैल्यू क्या होंगी इवेन होगी और इवेंट के फॉर्म में इसने आंसर बिल्कुल सही कैलकुलेट करके दिया लेकिन मीडियन कैलकुलेट करने के लिए शर्त हमेशा याद रखना है कि डेटा को सॉर्ट करना वरना सॉर्ट के बगैर मीडियन अप्लाई करोगे तो गलत मीडियन कैलकुलेट होगा

मॉट कैलकुलेट करने के बाद इन्होंने एम और एफ निकाल लिया इसका मिड पॉइंट और इसकी फ्रिक्वेंसी तो अगर आप चाहो तो इस वैल्यू को छोड़ दो आप सिर्फ जो है वो क्या करो आ, सिंपल जो है वो कैलकुलेट करना है तो सिंपल आप जो है वो भी सिंपली वाला मोट कैलकुलेट कर लो सिंपल वाला कर लो अभी ये वाला छोड़ दो अच्छा अभी आपके पास एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग बिल्टन फंक्शन अब आपने इन नंबर्स के क्या कैलकुलेट करने हैं मॉट कैलकुलेट करना है और मॉट कैलकुलेट करने का यहाँ करनी करनी है, हाँ. slide add करनी है पे और स्लाइड करने के बाद करने यहाँ कर जाएगा अच्छा अब आता है आपके पास वेटेड मीन अब ये बताया मुझे कि mean आपको मिसने करना सिखाया था में या नहीं? येस, येस, येस। सही। नहीं सही है mean सिखाया था, काफी है अच्छा अब देखें वेटेड मीन के अंदर आपके पास क्या होता है mean का मतलब क्या होता है कि अब आपके पास ये गिवन है एक क्वेश्चन आपको गिव इन किया है कंप्यूट द वेटेड दिन ऑफ द प्राइस ऑफ ऑफ द द द फॉलोइंग अज्यूमिंग क्वांटिटीज एज एज वेट अब इन्होंने आपको क्या बताया एक वेटेड मीन कैलकुलेट करने का तरीका बताया ठीक है थीके? अब वेटेड मीन अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो डेफिनेटली इसको कंप्यूट किस तरह करते हैं इसको कंप्यूट करने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो ये आप ये डिफाइन करोगे तो सबसे पहले वेटेड मीन आपको क्या करना है कि मिस का रजिस्टर आपने सबसे पहले बाहर निकालना है और मिस ने वेटेड मीन कैलकुलेट करने के स्टेप्स बताया आपको वो स्टेप्स को सामने रखते हुए ये MATLAB के के स्टेप्स को चेक करना है कि वेटेड मीन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है सम करवाना होता है डब्ल्यू का फिर डब्ल्यू की हर वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड करते हैं तो फाइनली आपके पास वेटेड मीन निकल आता है तो ये बात मैं आपको समझाऊंगी लेकिन ये समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको पहले वेटेड मीन रिवाइज करना पड़ेगा रिवाइज कर कर करने, कर करने के लिए तो ये आपके पास गिव इन कर है, भी लगा दिया कि मैंने किस तरह किया है लेकिन अभी इस पर फजूल होगा क्योंकि आपको याद नहीं है वेट इन मीन किस तरह निकालते हैं अगर एक बार आपको स्टेप्स याद आ जाएंगे तो फाइनली आपको वेट मीन के स्टेप जो मेटलप में अप्लाई होंगे वो मैंने एक एक करके डिफाइन कर दिया एक एक करके मेटलप पे डिफाइन करना हर स्टेप्स को आपका वेट मीन भी कैलकुलेट हो जाएगा अब आखिरी में आपके पास कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस मैंने गिव इन हैं। ये असाइनमेंट क्वेश्चंस आपने जो है वो किस पे परफॉर्म करने हैं मेटलेप पे